मैच नंबर 9 ऑफ द विंसी प्रीमियर लीग सॉल्ट पॉन्ड ब्रेकर्स वर्सेस पोर्ट चार्लट स्ट्राइकर्स। इस वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको पता चलेगा इस पर्टिकुलर मैच के लिए कौन होंगे आपके टॉप पिक्स, क्या है हमारी बेस्ट 11 और किसको आप रख सकते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन। हेलो एंड वेलकम टू द फैंटेसी गली शो। बात हो रही है विंसी प्रीमियर लीग की। मेरे साथ हैं ऑल द वे फ्रॉम मुंबई सर्वाइविंग द साइक्लोन वेरी फ्रेशली राइट नाउ इज कार्तिक। कार्तिक हाउ आर यू, हाउ इज द साइक्लोन एंड ऑल? वेल साइक्लोन तो गई, आई एम प्रीटी मच कूल। और वैसे भी ये कोरोना के वजह से तो घर में ही है तो बाहर निकलना तो होता नहीं है, बट यस नाइस, थैंक्स फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। वैसे अब बात करें आज के मैच के बारे में जो है सॉल्ट पॉन्ड ब्रेकर्स और फोर्ट शार्लट स्ट्राइकर्स। अब इन दोनों के बारे में बात करें ना तो ब्रेकर्स ने तो भाई साइक्लोन काइंड ऑफ ला ही दिया है इन इस ड्रीम 11 विंसी प्रीमियर लीग पॉइंट्स 11 में, पॉइंट्स टेबल में माफ कीजिएगा, क्योंकि दो मैच में दो जीत दर्ज हासिल की है इन्होंने। और अच्छी बात यह है लास्ट मैच में उन्होंने हाईएस्ट स्कोर लगा दिया था 138 10 ओवर में, एंड हमारे फेवरेट प्लेयर सुनील अम्ब्रीश जिसके बारे में हम कह रहे थे कि ये बैट से परफॉर्म कर ही नहीं रहे, भाई उन्होंने तो जड़ ही डाला 19 गेंदों में 53। तो आज मैं तो अज्यूम कर रहा हूं कि वो आपके बेस्ट 11 में तो होंगे ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल वो जरूर है। इससे पहले हम उनके बारे में बात करें, जेंटल रिमाइंडर सारे व्यूअर्स लिसनर्स को ये कि जो भी एनालिसिस आप देख रहे हैं हमारे YouTube पेज पे काइंडली प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको सारा का सारा नोटिफिकेशन मिल जाए। और दूसरी बात, फैंटेसी गली वेबसाइट पे जाएं और हमारा जो ऐप है उसको भी आप डाउनलोड कर ले ताकि आपको ये सारा एनालिसिस आपके फिंगर टिप्स पे मिल जाएगा। चलिए स्ट्रेट अवे विदाउट फर्दर अडू कार्तिक, लेट्स लुक एट हु आर आवर टॉप पिक्स फॉर दिस गेम। बिल्कुल हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे, कुछ कुछ प्लेयर्स जो डेफिनेटली आप पिक कर सकते हो इस टूर्नामेंट में। कार्तिक सबसे पहले हु इज दैट वन बैट्समैन, एक कोई ऐसा बैट्समैन बोलिए जो डेफिनेट टॉपिक होना चाहिए। एंड्रू थॉमस, उनके आगे आग जल रही है। 49 पॉइंट्स दिए थे उन्होंने अपने लास्ट मैच में, क्योंकि उन्होंने लास्ट मैच में जब बैटिंग करने आए थे 12 गेंदों में मात्र 29 रन बनाए थे और उसमें 4 छक्के थे। तो वो जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना उनके नाम के बाजू में वो आए हैं मेनली सिक्सेस के वजह से, 4 छक्के, यानी बैटिंग बोनस आप देख सकते, आप ले सकते हैं इनसे। और एक्स फैक्टर काफी हाई है, इसका मतलब ये है कि अगर ये चले तो आपको बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स दे सकते हैं। तो ये है मेरे फर्स्ट श्योर शॉट बैट्समैन। मूविंग ऑन अनदर टॉपिक, ऑलराउंडर्स के बारे में बात करें तो यू डोंट हैव टू लुक एनी फर्दर दैन दिस मैन सुनील अम्ब्रीश। अब हम बात करते आ रहे थे फर्स्ट मैच में कि अचानक बॉलर बन गए हैं, जेंटल ऑफ ब्रेक डाल रहे हैं, हार्मलेस ऑफ स्पिन मैं कहता हूँ इस कैटेगरी को, बट देन ही वॉज वेरी हार्मफुल विद द बैट एज फार एज द ऑपोजिशन इज कंसर्न। और उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और 135 पॉइंट दिए लास्ट गेम में। फैंटेसी गली रेटिंग इनकी 10 आउट ऑफ 10 है जो कि एक्सपेक्टेड है क्योंकि इंटरनेशनल पेडिग्री आपको मिलती है। एवरेज पॉइंट्स अराउंड 71 है जो कि बोलता है कि इनका एक्स फैक्टर कम रहेगा क्योंकि ये कंसिस्टेंटली आपको पॉइंट दे सकते हैं। सुनील अम्ब्रीश इन टर्म्स ऑफ ऑलराउंडर्स एक डेफिनेट टॉपिक है। कार्तिक बॉलर कौन से रहेंगे जो एक श्योर शॉट टॉपिक है इस मैच के लिए? मैं हमारे एफजी बेस्ट 11 के वाइस कैप्टन के साथ जाना चाहूंगा, जेवन सैमुअल। कंसिस्टेंट रहे हैं, पहले मैच में 66 पॉइंट, दूसरे मैच में 84 पॉइंट, और अगर लास्ट 10 T10 मैचेस की बात करें ना तो 75 पॉइंट्स दिए हैं ऑन एन एवरेज। फैंटेसी गली रेटिंग 10 की है और 10 की रेटिंग के बावजूद उनकी क्रेडिट 8.5 ही है, यानी आपको हाई वैल्यू मिल रही है लो क्रेडिट प्राइस में, तो बिंदास ले लीजिए। और एक्स फैक्टर इनका लो है, यानी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आपको पॉइंट्स जरूर देंगे। पिछले मैच की बात करें तो सिर्फ एक ओवर डाला था इन्होंने, लेकिन वो एक ओवर में भी उन्होंने 2 विकेटें चटकाई, तो इसीलिए सैमुअल को प्लीज अपने टीम में जरूर। फैंटास्टिक। नाउ बिफोर वी गो इनटू आवर फैंटेसी गली बेस्ट 11, एक और जनरल अनाउंसमेंट कि जो भी हमें यहां पे देख रहे हैं हमारा एनालिसिस आपको पसंद आ रहा है प्लीज यूट्यूब के वीडियो के कमेंट में हमें लिख के बताइए कि और कौन से सब्जेक्ट्स आपको सुनने हैं,
ताकि हम वो डिस्कस कर सकें, ताकि फैंटेसी क्रिकेट में आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाए और फैंटेसी गली को सारे अपने जो सोशल मीडिया हैंडल्स से फॉलो करें ताकि वहां पे भी आपको सारा का सारा अपडेट मिल जाए। चलो ठीक है, वी हैव सीन द टॉपिक्स, लेट्स लुक एट व्हाट इज द फैंटेसी गली बेस्ट 11 फॉर दिस पर्टिकुलर गेम। फैंटेसी गली का जो बेस्ट 11 है कार्तिक इस पर्टिकुलर मैच के लिए सजेस्ट करता है कि हम एक विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर और 4 बॉलर के साथ जाएं। हम बार बार यही बोलते आ रहे हैं कि यहां तक हमने देखा है कि ऑलराउंडर्स और बॉलर्स आपको ज्यादा पॉइंट्स दे रहे हैं। चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं इन टर्म्स ऑफ फैंटेसी गली बेस्ट 11। जो विकेट कीपर पिक किया गया है वो है शॉन स्वीन, 6.9 की फैंटेसी गली रेटिंग है। एवरेज पॉइंट्स पे ध्यान जरूर मत दें अभी, क्योंकि लास्ट गेम में उन्होंने एवरेज से ज्यादा पॉइंट्स दिए थे, 68 पॉइंट्स दिए थे। मीडियम टू हाई इनका एक्स फैक्टर है और इस मैच के लिए ये तो डेफिनेट कीपर बन सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ बैट्समैन हमने ऑलरेडी एक बारे में बात कर ली है, एक बैट्समैन के बारे में, बट अगर बात करें माइल्स बैस्कॉम के बारे में कार्तिक, तो इनका स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट थोड़ा फीका रहा, लेकिन लास्ट मैच में इन्होंने आपको पॉइंट्स बना के दिए, 49 पॉइंट्स दिए इन्होंने। एक्स फैक्टर देखिए एकदम हाई है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है अगर आप एक रिस्की पिक और एक सेफ पिक के साथ जा रहे हैं अपने बैटिंग टीम में। जी बिल्कुल, और ये ओपनिंग बैट्समैन है तो आपका वो एक्सपेक्टेशन भी रहेगा कि इनके पास ज्यादा मौका रहेगा ज्यादा बॉल्स खेलने का और ज्यादा रन और उसी के थ्रू आपको ज्यादा पॉइंट्स देने का। लेकिन हाँ, जैसे कि आपने कहा कि पहले दो मैच में थोड़े फंडे रहे थे, लेकिन जो लास्ट मैच से मोमेंटम मिला है, उम्मीद कर सकते हैं कि उससे वो आपको इस मैच में भी ज्यादा पॉइंट्स देंगे। वेल बहरहाल हमें फैंटेसी टीम में 3 बैट्समैन तो चाहिए ही चाहिए, तो कौन है वो तीसरे बैट्समैन? वो होंगे मेरे हिसाब से या फैंटेसी गली बेस्ट 11 के लॉजिक के हिसाब से गिड्रॉन पो। फोर्थ शार्लेट स्ट्राइकर्स के प्लेयर हैं और कंसिस्टेंट रहे हैं, पहला मैच अगर छोड़ दें तो दूसरे मैच में 29, तीसरे मैच में 25 फैंटेसी पॉइंट्स दिए हैं उन्होंने। बैटिंग के पॉइंट्स से बेसिकली ऑन एन एवरेज थोड़ा कम दे रहे हैं, बट चल जाएगा। अब नॉर्मली जब भी सॉल्ट पॉइंट ब्रेकर्स खेलते हैं तो अमूमन क्या होता है कि वो एक काफी ऑलराउंड टीम है, उनकी बॉलिंग भी काफी अच्छी है और बैटिंग भी अच्छी है। और हमारे बेस्ट 11 में आप देखोगे 1, 2, 3, 6 प्लेयर आप पॉइंट ब्रेकर्स से सजेस्ट कर रहे हैं हमारी फैंटेसी गली की लॉजिक, बेस्ट 11 की लॉजिक। आप चाहें तो एक रिस्क लेकर कोई भी एक बैट्समैन फोर्थ शार्लेट स्ट्राइकर से हटा के एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ले सकते हैं सॉल्ट पॉइंट ब्रेकर्स के थ्रू, तो वो कोई भी एक बैट्समैन हो सकता है। चलिए मान ले अगर आप केन्सली जोसेफ की बात करें तो उनका एक्स फैक्टर काफी लो है, वो हमारे एडिट टीम की सेक्शन में आपको मिलेंगे। तो केन्सली जोसेफ को अगर मैं अपनी टीम में लेना चाहूं तो मैं एडिट टीम में जाऊंगा, वहां पे हमारे इन आउट फीचर का मैं इस्तेमाल करूंगा, तो इन पे क्लिक करूंगा और गेट न्यू 11 पे क्लिक करके केन्सली जोसेफ को हमारे टीम में लेके आ जाऊंगा। तो उससे क्या होगा, अगर आप व्यू टीम में देखेंगे तो आपको यहाँ पर केन्सली जोसेफ अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे 3 बैट्समैन आप वैसे ही उसको आप ले सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आप रिजिडली केन्सली जोसेफ को किसी एक पर्टिकुलर बैट्समैन के अगेंस्ट लेना चाहते हो या एक पर्टिकुलर ऑलराउंडर के अगेंस्ट, तो उस ऑलराउंडर के अगेंस्ट जाके मैन्युअली जाके एडिट टीम में उधर एक आउट फीचर रहेगा, वो एक आउट फीचर पे क्लिक कर सकते हो। मान लो कोई भी ऑलराउंडर, चलो आप रिस्की टीम लेना चाहते हो, सुनील एम्ब्रिस को नहीं लेना चाहते हो, तो उधर एक आउट पे क्लिक करके आप न्यू गेट न्यू 11 कर सकते हो। और फिर जो है जो आपकी व्यू टीम रहे, व्यू टीम पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपको जिस तरह से कॉम्बिनेशन चाहिए उसी हिसाब से आपको नई 11 मिल जाए। एब्सोल्युटली, और ये हम बार बार यही बोल रहे हैं कि ये जो सारे फीचर्स हैं फैंटेसी गली के, जो इन आउट फीचर है, वो आपको तभी आपको मिलेगा जब आप फैंटेसी गली वेबसाइट पे जाएं, वहां पे देखें। या तो इजी ये है कि वहां पे आप जाएं और जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड करें, ताकि ये सब आप बहुत इजीली कर पाएंगे विदाउट much of a trouble. Kartik, we have already spoken about the batsmen, the all-rounders for this particular game. Let's just quickly look at ki hamare jo FG best 11 mein bowlers kaun kaun hain aur
कौन ऐसे बोलर्स रहेंगे जिन पे आप अपना ट्रस्ट रख सकते हैं? मेरे लिए तो डेफिनेटली यहाँ पे जेवन सैमुअल के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। मैंने फर्स्ट मैच में मेंशन किया था कि कैसे ये कमबैक कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में। फर्स्ट मैच में 66 पॉइंट्स, सेकंड मैच में 84 पॉइंट्स। ये एक डेफिनेटली एक थिंकिंग क्रिकेटर है, थोड़ा धीरे डालते हैं और जब तक ऐसा दिख रहा है कि अभी थोड़ा टर्न दिख रहा है इस पूरे ग्राउंड में, जो भी दो स्ट्रिप्स हमने अभी तक देखे हैं, तो यहाँ पे सैमुअल एक अच्छे पिक हो सकते हैं। इनके अलावा अगर और एक बॉलर के बारे में आप बात करना चाहे तो आप डेफिनेटली रे जॉर्डन को पिक कर सकते हैं। इन्होंने अभी तक फर्स्ट मैच में 40, सेकंड में 18 और थर्ड में 33 पॉइंट्स दिए हैं। 8.3 की फैंटेसी गली रेटिंग है, एवरेज पॉइंट्स अराउंड 31 है। इस पे ज्यादा आप नोटिस नहीं करें क्योंकि ये मोर देन एवरेज पॉइंट्स दे रहे हैं। इनके अलावा कोई बॉलर कार्तिक जो आप एफजी बेस्ट 11 से पिक करना चाहें? जी जी, दो बॉलर्स का मैं नाम लेना चाहूंगा। और आज की ये मैच जो है, या ये वाली 9 बजे वाली जो मैच है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, उसमें ना बॉलर्स का ज्यादा बोल वाला रहने वाला है ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनफॉर्म बॉलर्स आए हैं। तो उनमें से एक का नाम है डिलॉन जॉनसन, जो पॉइंट ब्रेकर्स की तरफ से ही है। अब ये भी कंसिस्टेंट रहे हैं, एक मैच में 41, दूसरे मैच में 72 फैंटेसी पॉइंट्स, फैंटेसी गली रेटिंग 10 की है, हालांकि हाई क्रेडिट में आ रहे हैं। और दूसरे प्लेयर हैं वो भी सॉल्ट पॉइंट ब्रेकर्स के हैं। अब ये इतने कंसिस्टेंट नहीं है, हालांकि फैंटेसी गली रेटिंग 10 की है जेरेमी लेन की, लेकिन जो पहला मैच खेला था उन्होंने, उसमें उन्होंने हाईएस्ट फैंटेसी पॉइंट्स दिए थे उस मैच में 106। तो आप उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि लेन एंड जॉनसन दोनों ही आपको पॉइंट्स देंगे अलोंग विद सैमुअल एंड जॉर्डन, जैसे कि आपने बताया। बिल्कुल, दैट्स अबाउट इट। अभी हमने आपको प्रॉमिस किया था कि आप अगर वीडियो आप एंड तक देखें तो आपको मिल जाएंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक्स। कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक्स के अलावा बाकी सारा एनालिसिस आपको मिलता रहेगा फैंटेसी गली के यूट्यूब पेज पे। तो हम बार बार बोल रहे हैं आपको कि आप सब्सक्राइब जरूर करें हमारे इस पेज को। राइट देन, तो कौन रहेंगे, क्या लगता है आपके जो सेफ कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक्स? कार्तिक, मैं तो एफजी बेस्ट 11 के साथ ही जाऊंगा, सुनील एम्ब्रिस और जेवन सैमुअल के साथ, क्योंकि दोनों ही कंसिस्टेंट है और एम्ब्रिस तो आपको विद बैट एंड बॉल दोनों के साथ पॉइंट्स दे रहे हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता किसी और को लेने के लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्की खेलना चाहते हो, आप अगर आग के साथ खेलना चाहते हो, तो आपके पास शॉल रॉय विलियम्स भी हैं, क्योंकि वो अपने सेकंड मैच में कैप्टन रह चुके हैं ड्रीम टीम के। कोई और नाम आपके जहन में बाबाशीष? बिल्कुल, जैसा आपने मेंशन किया कि अगर सुनील एम्ब्रिस को आप लेते हैं तो काफी वो सेफ पिक बन जाता है। मैं बस एक और नाम के बारे में बात करूंगा और वो है आपके बॉलर, जो कि हमने मेंशन किया कि आप डेलरन जॉनसन को हमने मेंशन किया, जो कि दोनों मैच में थोड़ा कंसिस्टेंटली पॉइंट्स दे रहे हैं विद द बॉल। एंड जैसा आपने बोला कि वी आर एक्सपेक्टिंग बॉलर्स टू कीप डूइंग वेल, तो आप सुनील एम्ब्रिस और डेलरन जॉनसन को भी एक अच्छा कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक आप रख सकते हैं। जी जी, और यहाँ पर हम हमारे यूजर्स को ये भी बताना चाहेंगे कि नॉर्मली जब सॉल्ट पॉइंट ब्रेकर्स खेलती है ना, तो आप टॉस पे जरूर नजर रखेगा, क्योंकि जब टॉस होती है और आप फैंटेसी गली ऐप पे आते हो या वेबसाइट पे आके ऐप डाउनलोड करते हो, तो आपके पास 10 ऑप्शंस रहते हैं टीम बनाने के, क्योंकि हमारे पास वैसे ऑप्शंस हैं। हाँ, अभी अगर सॉल्ट पॉइंट ब्रेकर्स पहले बॉलिंग कर रही है तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप किसी बॉलर को एक कैप्टन बनाए और बेशक एम्ब्रिस को आप वाइस कैप्टन बनाए, और यदि पॉइंट ब्रेकर्स पहले बैटिंग कर रही है तो कोई एक बैट्समैन उनकी टीम से कैप्टन बनाए। रीजन ये है कि उनकी बैटिंग और बॉलिंग इतनी अच्छी चल रही है, तो अगर वो बैटिंग पहले करे तो लंबे स्कोर्स जड़ते हैं, और वही अगर बॉलिंग पहले करे तो सामने वाली टीम को ज्यादा परफॉर्म करने देते नहीं है। तो उस हिसाब से अपनी अकल जरूर ऑन करे और अकॉर्डिंगली अपनी टीम बनाए। Fantastic, you've heard from the expert. यही हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि अपनी अकल ऑन करें, आप फैंटेसी गली ऐप और वेबसाइट पे जाएं, ऐप डाउनलोड करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, आज का एक दूसरा मैच भी है, उसके लिए आपको एक अलग वीडियो मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल में। तब तक के लिए, फ्रॉम कार्तिक एंड बाबाशीष, गुड बाय फॉर नाउ।